पर्सनल बुकिंग बाइक की टांग टूटी है, पर्सनल बुकिंग नहीं कर सकता मैं तो। घर तक निकलते ही गली में तो गड्डी में तो निकलते ही मेरे पीछे गटके लगाती। टैक्सी स्टैंड वाले यार, क्या मामला है आपका? बाबूजी में गड्डी घर से निकल गई। इधर से गाड़ी के पास, घर से गाड़ी लेके निकला ना। नाम क्या है? मेरा नाम मनदीप है। कहां से? देवी के रोड से। क्या मामला है? मामले मैं घर से गाड़ी लेके निकला, घर से गाड़ी लेके निकला थी मैं, मेरे पीछे बंदे लग गए यहां पे। बस कौन है ये बंदे? पता नहीं कौन है। अच्छा, मेरे पीछे बंदे निकले, मैंने घर से निकलते ही बोल दिया इसको भाई, मेरे पास भाई ये सेवा कर रहे हैं कमाल करके देखने वास्ते ले रखे मैंने, अभी 120 मगड़ा करा लिया खड़ी करनी है। आप इनके साथी हो? हाँ भाई, अपना क्या नाम है? कमल कुमार। कहाँ से? हाँ जी, तो फिर आप ये गाड़ी लेके जा रहे थे, फिर क्या हुआ? गाड़ी मेरे पीछे लगा दी, घर से पीछे। आपका कमर्शियल नंबर गाड़ी है? कमर्शियल नंबर गाड़ी है मेरी। अच्छा, मेरे परमानेंट घर के 3000 रुपए का, फिर भी नहीं चलाने दे रहे मेरे को। क्यों नहीं चलाने? बोल रहे फोन करके बताओ हमें कहाँ पे जाने लग रहा है। क्यों नहीं चलाने दे रहे? छोड़ने के लिए जाने लग रहा है। अभी आप कह रहे हो बहुत दिन से आपके साथ है। एक बात देखो, उसकी टांग टूट रही है। अगर बुला बुला वाले का सिस्टम है, आप खुद देख रहे हो बुला बुला वाले का सिस्टम है, तो ये हरियाणा की गड्डी है, यहाँ तो चलेगी लोकल या फिर गुड़गांव में दिल्ली यहाँ जा रही है। गड्डी कहाँ पकड़ी आपने? ये घर रहा मेरा, करनाल जाना है, इमरजेंसी। टांग लूट रहे, फिर भी मुक्का मारा टांग पे, क्या मतलब है? पुलिस वाले के होंगे फिर भी छोरे का थपेड़े मुक्का मार लग रहा है, उसका क्या मतलब है? 10 गुंडे खड़े नूपे नू, उसका फिर भी मुक्का मारे, उसका पूछे मरीज का हाल है, टांग लूट रही है, क्या बात, जान नहीं देंगे? कौन है ये लोग? पैसे लगा रखे 10-12 लाख। अगर मन्ना इसके अंदर 15 लाख ला भी दे तो क्या मतलब, हम गड़ी ले नहीं सकते। हेलो भाई गट्टी नहीं बिचाई थी मैंने, मेरी बात सुनवाई विक्रम जी, क्या मामला था जी यहाँ पे? ये यूनियन स्टैंड वाले हैं, जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं, इनको आशंका थी सब था कि भाई कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की गाड़ी बुकिंग के हिसाब से लेके जा रहा है। उस संबंध में गाड़ियाँ रोकी थी, दोनों ही पक्षों को इकट्ठा कर लिया है, दोनों ही पक्षों के नाम पते लिख लिए हैं। अब जो इस गाड़ी में पेशेंट था, सीरियस नहीं था, उसे पैर पे इंजरी थी, उनको भेज दिया है। इस पक्ष को भी बुला लेंगे, उस पक्ष को बुलाएंगे, दोनों का कोई लिखित शिकायत प्राप्त होगी वैसे इनपणती कार्रवाई करेंगे। जनाब कुछ दिन पहले इन्होंने प्रदर्शन भी किया था और डीसी को ज्ञापन भी दिया था, जबकि लिखित में इनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि आप गाड़ी रोक सकते हो, तो क्या ऐसे ये रुकवाना जो है लीगल है? नियमों पर ही कार्रवाई बनती है, जिसको ज्ञान नहीं है, तजर्बा नहीं है, वो अन्य चीज़ें डाल सकते हैं, उन बातों का कोई फायदा नहीं है। झुंड में इकट्ठा हो गए बातें करना, बाकी दोनों ही पक्ष एक समस्या जो इनकी है, दोनों की छूनी जाएगी, दोनों छूने के जो बढ़ती कार्रवाई की जाएगी अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी। अब तक मेरे को किसी ने लिखित शिकायत नहीं की है, लिखित शिकायत के बाद जो नियम कहते हो कार्रवाई होगी। तो जैसे अब गाड़ी आज रोकी गई थी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कुछ की जाएगी? कोई शिकायत तो नहीं, शिकायत के एक ओनली 112 की कंप्लेंट थी। पहले अब हमारा काम होता लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, मौके पर आकर हमने मौका संभाला है ताकि कोई विवाद ज़्यादा ना बढ़े। उसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा,